हेलो एवरीवन, मेरे सारे व्यूअर्स को शहनाज किचन में स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जिसका नाम है पनीर पेपर। इसे सभी पसंद करते हैं, ये एक तरह की स्नैक्स है। चलिए शुरुआत करते हैं पनीर पेपर के साथ। इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। 200 ग्राम पनीर मैं ली हूँ ऐसे क्यूब्स में कटे हुए, और ली हूँ अनियन ली हूँ ऐसे स्क्वायर में कटे हुए, कैप्सिकम, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली सब चॉप किया हुआ है, और मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, और ब्लैक पेपर है, और अजीनोमोटो मतलब चाइनीज सॉल्ट है, और सोया सॉस है, विनीगर है, और थोड़ा सॉल्ट, और फ्राई करने के लिए ऑयल। चलिए इसमें इसको कोट करते हैं। सबसे पहले मैं टू टेबल स्पून मैं लूंगी मैदा, फिर कॉर्नफ्लावर लूंगी 2 टेबल स्पून, अब इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा चाइनीज सॉल्ट भी डालेंगे, अजीनोमोटो, ब्लैक पेपर डालेंगे क्रश किया हुआ 1 टीस्पून, बस। अब इसे हमें मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करके इसे डीप ऑयल में फ्राई करना है। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तेल अच्छी तरह से हॉट करना है। उसके बाद देखिए मैं इसे सारा मिक्स करके इसे एक एक करके ऐसे डालेंगे। ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। देखिए अब ये हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, पूरा गोल्डन कलर का हो जाएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे आप। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इस तरह ब्राउन होगा, मैं बचा हुआ पनीर को भी डाल दे रही हूँ। इसे मैं फ्राई करके आपसे मिलती हूँ। इस तरह ब्राउन करेंगे, देखिए गोल्डन ब्राउन, अब बड़ा क्रिस्पी हुआ है। ठीक है, अब मैं इसे रखती हूँ, फिर दूसरी कढ़ाई लेती हूँ। अब थर्ड प्रोसेस में चलते हैं। ये पैन गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ 2 टीस्पून, फिर इसमें डालेंगे जिंजर डालेंगे 2 टीस्पून, पनीर के हिसाब से इसे भी 2 टीस्पून, गार्लिक ये चॉप किया हुआ है इसे अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये और थोड़ा मैं डाल देती हूँ। फिर ग्रीन चिली भी डाल देती हूँ। इसे थोड़ा अच्छे तरह से हम हल्का हल्का भून लेंगे, फिर मैं इसमें डालूंगी कैप्सिकम, अनियन सब डाल दूंगी। इसे भी ज़्यादा नहीं पकाना है, अब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी थोड़े, ब्लैक पेपर भर के 1 टीस्पून, अजीनोमोटो,
इसे भी थोड़ा अच्छे से सॉटे कर लेंगे, थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा भून लेंगे। फ्लेम हाई है इनके। अनियन और ये कैप्सिकम थोड़े क्रिस्पी रहेंगे, इसे ज़्यादा नहीं गलने देंगे। और ये होता है धनिया पत्ती के बीज की डंडी, जिसे नहीं बोलते हैं, उसे मैं कट कर ली हूँ छोटे छोटे टुकड़े में, उसे भी डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं इसे डालने से। अब मैं इसमें पनीर को ऐड करती हूँ। अब इसमें विनेगर डालते हैं। वन टीस्पून ब्लैक सॉस डालेंगे, जस्ट वन टीस्पून। बस इसे मिक्स करेंगे। स्प्रिंग ऑनियन तो नहीं है, जब आप लोग के पास रहेंगे तो आप लोग भी इसमें कट करके डाल सकते हैं। और चाइनीज सॉल्ट थोड़ा डालती हूँ, जिसे अजिनोमोटो बोलते हैं। मैं और थोड़ा सॉस डालती हूँ, सोया सॉस। मुझे थोड़ा कम लग रहे हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा विनेगर, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये अब बन चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो खाली स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। आप लोग को पनीर पसंद है कि नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसे भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए। जो नए हैं, जब ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तभी आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।